अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज फैसल चौधरी। आप देख रहे हैं कार मेंटेनेंस। आज का मेरा टॉपिक, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम आजकल स्टार्ट कर रहे हैं वायरिंग डायग्राम के बारे में, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना वायरिंग डायग्राम पे, हर चीज के मुतालिक हम वायरिंग डायग्राम शॉर्ट से लेकर एडवांस तक हम जाएंगे कि आपको मुकम्मल तरीके से, मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको मुकम्मल तरीके से वायरिंग बेसिक चीज से लेकर एडवांस चीजों की वीडियो आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कर दूं। अगर आपको कभी भी कोई मसला आता है तो आप उससे देखकर आराम से काम कर सके। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्सीजन सेंसर की, क्लास 4 है वैसे, ऑक्सीजन सेंसर के बारे में बात करेंगे। इसमें कितने टाइप्स के ऑक्सीजन सेंसर आते हैं, किस वायर में क्या आता है, किस कंपनी में किस वायर में डिफरेंस है, इन चीजों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले जो दोस्त आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्लीज प्रेस कर लीजिएगा ताकि नया नया नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। अगर किसी भाई को पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया या किसी भी अरब कंट्री में स्कैनर, किसी किस्म का स्कैनर डिवाइस या किसी भी किस्म का कोई प्रोग्रामर चाहिए, गाड़ी के रिलेटेड ट्रेनिंग चाहिए या किसी किस्म की कोई चीज़ चाहिए, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे रابطہ कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर नज़र आ रहा होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे रابطہ कर सकते हैं। किसी भी किस्म का कोई भी स्कैनर, ज़रूरी नहीं है थिंक डैगो, किसी किस्म का स्कैनर आपको पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया या किसी भी अरब कंट्री में आपको ये मिल जाएगा। एक चीज बताना चाह रहा हूं कि अभी एक पहली तारीख को यानी 1 सितंबर को लकी ड्रा होगा, जिसमें हम मल्टीमीटर कुरानाजी में मल्टीमीटर लकी ड्रा करेंगे। उसके बाद 15 को दूसरा आएगा, तो अगर आपने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया तो आपको लिंक डिटेल में मिल जाएगा, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये टॉपिक की तरफ सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल वायर वाला। ये सिंगल वायर है, ठीक है, इसमें बताने वाली मेरे ख्याल में कुछ ज्यादा चीज नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता देता हूं क्योंकि मुझे अक्सर औकात ग्रुप्स में मैसेज आते रहते हैं कि लोग कंफ्यूज हैं, इन चीजों का नहीं पता, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा बेसिक चीजों के बारे में आपको बता सकूं, ठीक है। सिंगल वायर बारे में ऑक्सीजन सेंसर क्या आता है, ये जो सिंगल वायर है, ये सिंगल वायर जो सिग्नल की वायर है जो ईसीयू को ये ऑक्सीजन सेंसर बॉडी से नेगेटिव ले लेता है, अर्थ बॉडी से ले लेता है, लेकिन जो है सिग्नल जो है वो एक वायर में सिर्फ सिग्नल ही ईसीयू को देता है, ठीक है। सिंगल वायर में इतना बड़ा लॉजिक नहीं है, सबको ही पता है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं बता दूं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सुजुकी, सुजुकी में क्या आता है, दो वायर वाला ऑक्सीजन सेंसर। एक सेकंड, मैं उस पर जाने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि अक्सर लोग मैसेज कर रहे होते हैं कि यार ये भाईजान हमें ये चीजें पीडीएफ फाइल में दे दें। भाईजान ये सब चीजें मेरे माइंड में सेव है, अब लिखूंगा पीडीएफ फाइल बनाऊंगा तो थोड़ा सा मसला मसाइल बनेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके बारे में मैं मुकम्मल ई बुक बना दूं या ई बुक बना दूं, यानी टोटल वायरिंग डायग्राम जो जो मैं लेक्चर कर रहा हूं, तो अगर आप चाहते हैं बुक बना दूं या ई बुक बना दूं तो आपने कमेंट करें। अगर ज्यादा लोग इसको लेना चाहते हैं तो जाहिर है मैं किसी बंदे की ड्यूटी लगाता हूं, वो ई बुक बना के, बुक मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है, उसको ये चीजें प्रोवाइड कर दूंगा, वो बना के परचेज करेगा, जाहिर है उसमें थोड़ा बहुत तो फीस लगेगी ही, बुक की यानी फीस होती है, फ्री में मिल रहा है ले लो, मैं तो ये चाहता हूँ फ्री में मिल रहा है ले लो। अगर आप चाहते हैं पैसा लगाना, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर 1000 रुपया आप पाकिस्तानी लगाना चाहते हैं तो मुझे बता दें, मैं फिर किसी बंदे की ड्यूटी लगाता हूँ, वो तकरीबन 100-150-200 पीसेस तैयार कर देता है बुक का, तो उसमें क्या होगा आप परचेज कर सकते हैं इश्यू वाले डायग्राम के बारे में। अब हम बात करेंगे जी, आपके सामने मैंने वायरिंग बनाई है ऑक्सीजन सेंसर की। सुजुकी में अक्सर 2 वायर वाला ऑक्सीजन सेंसर आता है, 2 वायर वाला ऑक्सीजन सेंसर आता है।
तो ये आपके सामने टू वायर वाला ऑक्सीजन सेंसर की हमने वायरिंग डायग्राम बना दिए। तो इसमें क्या आएगा, फर्स्ट नंबर पे नंबर वन सिग्नल की, E2 का मतलब मैं यार मैं पता नहीं है, अभी मैं कुछ दिनों तक ना मुकम्मल मैं लिख रहा हूं और मेरी टीम भी लिख रही है, उस हिसाब से मैं आपको पिन नोट्स कुछ दे दूंगा जिसमें आपको ये चीजें समझने में थोड़ी सी आसानी होगी, लेकिन वो इंशाल्लाह थोड़े दिन बाद वीडियो अपलोड हो जाएगी। लेकिन अभी E2 का मतलब होता है 5 वोल्ट नेगेटिव, 5 वोल्ट नेगेटिव जो तकरीबन सेंसर में टिप पिन सेंसर या काफी सेंसर में ये मतलब नेगेटिव जाता है 5 वोल्ट। तो ये 5 वोल्ट है E2, E2 की लफज इस्तेमाल करो तो उसका मतलब ये होता है कि ये नेगेटिव 5 वोल्ट है और ये 2 वायर वाला सिग्नल की एक वायर है, यानी एक सिग्नल की वायर है, सिग्नल की वायर होना जरूरी है बाकी, क्योंकि एक वायर वाले में और 2 वायर वाले में इतना डिफरेंस नहीं है। एक वायर वाले में क्या हुआ था कि उसने बाडी से अर्थ ले लिया था, लेकिन इसमें 2 वायर है, इसमें उसने क्या लिया 5 वोल्ट अर्थ लिया है और एक आउटपुट सिग्नल जो ईसीयू को उसने प्रोवाइड किया। अब हम बात करते हैं होंडा की, इसमें 4 वाल्व वाला आता है, होंडा में अमूमन 4 पिन वाला ऑक्सीजन सेंसर आता है, यानी ओटू सेंसर या ऑक्सीजन सेंसर 4 वायर वाला आता है और टोयोटा में भी 4 वायर वाला आता है, लेकिन दोनों में वायरिंग का डिफरेंस है। तो हम पहले बात करते हैं होंडा पे ऑक्सीजन सेंसर पे 4 वायर उसकी हम वायरिंग डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद हम टोयोटा पे बात करते हैं। जिसमें क्या आएगा, पहले नंबर पे सिग्नल, पहली वायर क्या आएगी, ये सिग्नल आ गया। आपको पहले भी बताया था कि कभी भी ग्रिप ऐसे ऊपर से स्टार्ट करनी है एबीसी की तरफ, क्योंकि मैं अपने हिसाब से वायरिंग बताता हूं, तो एबीसी की तरफ हमने एबीसी की तरफ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये नंबर पहला मेरे हाल में आपको नजर आ रहा होगा, नंबर वन सिग्नल की वायर है, नंबर टू, E2 का मतलब मैंने पहले भी बताया था 5 वोल्ट, तीसरे नंबर पे चाबी स्विच की इग्निशन, इग्निशन ऑन की चाबी स्विच की, ठीक है। चौथे नंबर पे आ गई हीटर की वायर, मैं दोबारा बता देता हूं, नंबर वन पे आ गया सिग्नल वायर जो ईसीयू को सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है, नंबर टू पे आ गई E2 नेगेटिव जो ज्यादा सेंसर में इस्तेमाल की जाती है, यानी अर्थ 5 वोल्ट, उसके बाद तीसरे नंबर पे आ गई इग्निशन ऑन की, चौथे नंबर पे आ गई हीटर की वायर। अब हम बात करते हैं टोयोटा के बारे में, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि टोयोटा और होंडा में इतना डिफरेंस नहीं है, ग्रिप्स तकरीबन सेम ही आती है,
लेकिन क्योंकि इसमें थोड़ा सा फर्क आता है, कलर कोड का भी फर्क आता है, वो तो मैं हर कंट्री में, मैंने भी आपको बता दिया, अभी मैं कलर कोड पे बात नहीं करूंगा क्योंकि हर जगह पे कलर कोड में डिफरेंस होता है। हम वायरिंग की बात करते हैं तो ट्योटा में थोड़ी सी वायरिंग हुंडा से मुख्तलिफ होती है, तो आइए उस पर बात करते हैं हम। जी नंबर वन पे आ गया अग्निशन ऑन, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, उधर थोड़ा सा फर्क था, लेकिन इग्निशन ऑन नंबर टू पे आ गया हीटर की वायर इश्यू से, नंबर थ्री पे आ गया ई टू नेगेटिव 5 वोल्ट, यानी ई टू नेगेटिव 5 वोल्ट, ये चौथे नंबर पे हो गया सिग्नल। ये सिग्नल इश्यू दोबारा बता देता हूं, नंबर वन पे आ गया इश्यू की सॉरी इग्निशन स्विच की करंट नंबर वन पे, नंबर टू पे हीटर की वायर, नंबर थ्री पे ई टू की वायर यानी नेगेटिव 5 वोल्ट, नंबर फोर पे सिग्नल जो इश्यू को सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी, हमने बात की एक वायर वाले सिग्नल सेंसर पे, नंबर टू पे, नंबर थ्री पे सॉरी नंबर फोर पे, होंडा पे और टोयोटा पे। ये तकरीबन जो टोयोटा की हमने बात की है ये यूनिवर्सल ऑक्सीजन सेंसर गिना जाता है। तो इंशाल्लाह आपको मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रही तो आप बता दें। और उसके बाद मैंने पैरामीटर इसके बता दिया था कि ये किस हिसाब से स्कैनर पे आप इसको चेक कर सकते हैं, कैसे काम करता है, तो इंशाल्लाह आपको मुकम्मल समझ आ गई होगी। अगर फिर भी नहीं समझ आ रही है आप कमेंट कर सकते हैं, किसके बारे में आपको वीडियो चाहिए आप बता दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नई वीडियो के साथ जल्द, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।